अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम ट्रेनिंग पार्टनर ने अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर ली होगी। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आप अपनी ऑनलाइन अटेंडेंस हमारे वेब पोर्टल FMIS पर मार्क कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिया गया है PSTW मेन्यू के अंदर अटेंडेंस। अटेंडेंस को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अटेंडेंस मॉड्यूल खुल जाएगा। अटेंडेंस मॉड्यूल में आपने एड रिकॉर्ड को क्लिक करना है। आपने फेज और राउंड को सिलेक्ट करना है और आपने मंथ सिलेक्ट करना है कि किस मंथ की आप अटेंडेंस लगाने जा रहे हैं। इस मेन्यू में आपको फिल वक्त एक ही मंथ नजर आएगा जो कि ये बता रहा है कि अगस्त 10, 2006 से लेके सितंबर 9, 2006 तक एक मंथ हमने ऐड किया हुआ है। जब इसके बाद ये जब टाइम ड्यूरेशन ख़त्म होगा तो हम इसके अंदर नया मंथ स्टार्ट कर देंगे, तो आपको फिर इसके अंदर दो मंथ नज़र आएंगे। फिल वक्त आपको इसके अंदर एक ही मंथ नज़र आएगा, आपने इसको सिलेक्ट करना है। जब आप इसको सिलेक्ट कर देंगे तो आपके पास डिटेल अटेंडेंस पोर्टल आपके पास शो हो जाएगा जिसमें तमाम बच्चों का फोटोग्राफ्स, उनका नाम, CNIC नंबर और कोर्स सामने नजर आ रहा है। अटेंडेंस डेली बेस पे लगानी है। अब आप देख रहे हैं कि जो पिछले दिन हैं वो लॉक हो चुके हैं, आप पिछले दिन में अटेंडेंस फिल वक्त नहीं लगा सकते। आपके पास सिर्फ अभी जो नज़र आ रहा है वो थर्सडे 18 का एक्टिव नज़र आ रहे हैं बॉक्सेस। आप अभी सिर्फ 18 तारीख की अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं। 18 तारीख से आप न पहले मार्क कर पा रहे हैं न आगे मार्क कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अटेंडेंस आपको डेली बेसिस पे आपको वेब पोर्टल पे मार्क करनी होगी। कुछ हमारे ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स ने लेट ज्वाइनिंग की है बच्चों की वेब पोर्टल पे, तो उनकी अटेंडेंस अब वो पिछले दिनों में किस तरह से अटेंडेंस अपनी लगा सकते हैं कि फिल वक्त हमने ये भी सोचा है कि हम उनको पुराने दिन अभी एक्टिव करके देंगे ताकि जो जहाँ पर गैप रह गया है आपको अपना गैप जल्दी से फिल कर लें। 1 सितंबर से अटेंडेंस फिर इस हालत में आ जाएगी कि आप सिर्फ उसी दिन की अटेंडेंस मार्क कर सकेंगे। जो बच्चा एब्सेंट है आप उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, जो बच्चा प्रेजेंट है आपने सिर्फ उसको सिलेक्ट करना है। ये फिल वक्त मैं एक डमी अटेंडेंस लगा रहा हूँ। यहाँ मैंने कुछ बच्चों को मार्क किया है अटेंडेंस, जिनको मैंने मार्क नहीं किया है, मार्क नहीं करने वालों को समझा जाएगा कि ये एब्सेंट है। फिलहाल हम ये कर लेते हैं कि जो पिछले दिन गुजर चुके हैं यानी 10 से लेके 18 तारीख, उसको हम दोबारा से खोल देते हैं। मैंने यहाँ से ओपन कर दिया है। अब आप देखेंगे कि अटेंडेंस पिछले दिनों में भी मार्केबल हो गई है। ये ऑप्शन सिर्फ कुछ दिनों के लिए हमने खोला है, 1 तारीख से हम इस ऑप्शन को बंद कर देंगे। सिर्फ जो दिन होगा, जो जिस दिन में अटेंडेंस लगानी है, सिर्फ आपको वही दिन आपको एक्टिव नज़र आएगा, आप पिछले दिनों की अटेंडेंस नहीं लगा सकेंगे। फिल वक्त हमने इसको खोल दिया है। आप 10 तारीख से सारे बच्चों की अटेंडेंस FMIS पोर्टल पे लगा दें। मैं यहाँ पे सैंपल के तौर पे कुछ अटेंडेंस लगा रहा हूँ। जो भी मैं चेक लगा रहा हूँ इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट है, और खाली
चेक बॉक्स का मतलब होगा एब्सेंट ट्रेनीज। एड रिकॉर्ड आप करेंगे। एड अटेंडेंस करने के बाद आपके पास ये पेज खुल जाएगा। एड अटेंडेंस करने के बाद हमारे पास ये पेज खुल जाएगा। ये पेज हमें बता रहा है कि हमने कौन कौन से बच्चों की अटेंडेंस लगाई है। ये जो पी है ग्रीन कलर में, ये शो कर रहा है प्रेजेंट। जो हमने चेक बॉक्स चेक लगाया था वो पी हो जाएंगे। जिन चेक बॉक्सेस पे हमने मार्क नहीं किया था उसको सिस्टम एब्सेंट कंसीडर करेगा और वो आपको रेड कलर में शो होंगे। इस तरह से आप अपनी पूरी अटेंडेंस देख सकते हैं। अटेंडेंस लगने के बाद ये आपको अटेंडेंस उसी टाइम पे व्यू करा देगा। ये इंफॉर्मेशन आप दोबारा भी देख सकते हैं। PSCW के ऑप्शन में जाएंगे, अटेंडेंस पे आएंगे और आप देखेंगे कि एक रिकॉर्ड आपका ऐड हो चुका है अटेंडेंस का। इसको राइट क्लिक करके जब आप व्यू रिकॉर्ड करेंगे तो आप किसी भी टाइम पे जो आपने अटेंडेंस अपडेट की है पोर्टल पे वो आप देख सकते हैं। जैसे ही आप अटेंडेंस मजीद आप इसके अंदर ऐड करते जाएंगे तो व्यू रिकॉर्ड के अंदर वो अपडेट होती जाएगी। दोबारा से हमें अटेंडेंस मार्क करनी है तो हम राइट क्लिक करके ऐड अटेंडेंस करेंगे। ऐड अटेंडेंस करने के बाद, ऐड अटेंडेंस पे क्लिक करने के बाद अब आप देखेंगे कि जो अटेंडेंस आप मार्क कर चुके हैं वो अब डिसेबल हो चुके हैं। इस बात को ज़हन में रखें कि अटेंडेंस लगाने के बाद आप अटेंडेंस को एडिट नहीं कर सकते। जो आपने अटेंडेंस लगाई है वो अटेंडेंस उसी वक्त लॉक हो जाती है आपके लिए। सिस्टम में अटेंडेंस सिर्फ एक ही बार मार्क कर सकते हैं, उसके बाद अटेंडेंस लॉक हो जाती है, जो फिर ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स के लिए एडिटेबल नहीं है। अब आप सिर्फ उन दिनों की अटेंडेंस लगा सकते हैं या उन चेक बॉक्सेस पर अटेंडेंस लगा सकते हैं जो आपने नहीं लगाई थी पहले। फर्ज करें कि मैं एक और दिन की अटेंडेंस भी इसमें ऐड कर देता हूं, फ्राइडे 12 अगस्त की। अब आप देखें कि 12 अगस्त की अटेंडेंस मार्क हो चुकी है। यहां से बैक कर लेंगे। इस तरह से हम अटेंडेंस को मार्क कर सकते हैं अटेंडेंस पोर्टल में। अगर मजीद कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, कोई आपको इशू आ रहा है, मजीद किसी असिस्टेंस के लिए आप अपने कंसर्न प्रोग्राम ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कोऑर्डिनेटर जो आपका कंसर्न DMC है आप उनसे भी रابطہ कर सकते हैं। शुक्रिया।